नमस्कार अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्व यदअक्षरम विवर्तते अर्थ प्रक्रिया जगतो यत भर्तहरी की इस कारिका से आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्व यद अक्षरम ब्रह्म शब्द ब्रह्म जो है वो अनादि है और अक्षर भी हैं अनादि हैं विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यथ जिस प्रकार ये जगत की प्रक्रिया है जगत की प्रक्रिया में जिस प्रकार से मूल रूप में बीज रूप में एक ही तत्व विद्यमान है और वह तत्व अपने आप को विभिन्न प्रकार से विवर्तित कर लेता है फैला लेता है मैनिफेस्ट कर लेता है उसी प्रकार जो शब्द तत्व है शब्द भी तात्विक अर्थ में मौलिक अर्थ में शब्द एक ही है वह जगत की प्रक्रिया के समान अपने अपने को जब सांसारिक लोक व्यवहार होता है शब्द का तो सांसारिक व्यवहार में अपने आप को कई प्रकार के जो रूप हैं जो उसके विवर्त हैं पद हैं समास हैं संधि हैं और वाक्य हैं या जो उसके अक्षर हैं जिसे हम फोनीम कहते हैं उसमें वो अपने आप को विवर्त कर लेता है अपने आप को डिवाइड कर लेता है यह कारिका भर्तहरी ने अपने वाक्यपदी के आरंभ में लिखी थी यह कारिका सैकड़ों हजारों वर्ष पुरानी है और भारत में भाषा वैज्ञानिक चिंतन के की पुरातनता उसकी इतिहास एवं उसकी गूढ़ता को दर्शाती है कि कितने गूढ़ प्रकार से एक ही एक कारिका में एक अथवा एक ही श्लोक में एक ही मंत्र में इतनी गहरी बात कह दी गई है तो संस्कृत में जो भाषा विज्ञान की परंपरा है उस पर अब कार्यक्रम लेकर के आ, मैं डॉक्टर चित्रेश सोनी प्रोफेसर राजन प्रसाद पांडे एवं श्री रामकिशोर जी मेरे साथी नमस्कार धन्यवाद आपके समक्ष प्रस्तुत हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं जो संस्कृत में जो भाषा वैज्ञानिक चिंतन का आरंभ हुआ वह चिंतन का आरंभ और भारतीय चिंतन दोनों को हम समान रूप में जस्ट जस्ट अपोज करके अथवा इंटरचेंजली भी यूज कर सकते हैं जो इंडियन लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन है वही कई अर्थों में वो लगभग निन्यानवे प्रतिशत वही संस्कृत ट्रेडिशन भी है भारत में जो भाषा चिंतन का आरंभ वेदों से ही माना जाता है समस्त विद्याओं का आरंभ भारत में वेदों से माना जाता ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद वेद, वेद, साम वेद, वेद। जब जब वेदों का ही जब प्रारंभ हुआ वेदों के आरंभ में ही भाषा वैज्ञानिक तत्व और भाषा वैज्ञानिक समझ उस समय के जो हमारे पूर्वज थे उनकी और उन्हें प्रिजर्व रखने के लिए जो विभिन्न प्रकार के जो पाठ रचे गए जटा पाठ शिखा पाठ माला पाठ रेखा पाठ घन पाठ पद पाठ ये जो पाठ की ट्रेडिशन थी पाठ की ट्रेडिशन के समय से ही पाठ की ट्रेडिशन से ही भारतीय भाषा वैज्ञानिक चिंतन एवं परंपरा का विकास हुआ तो एक ही वेद के अंदर फॉर एग्जाम्पल यदि हम ऋग्वेद लें तो ऋग्वेद के अंदर ही कई प्रकार के एक ही मंत्र को आठ प्रकार से उच्चारण किया गया और आठ प्रकार से उच्चारण करने का क्या उद्देश्य था ये जो लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन की जो शुरुआत हम देखते हैं प्रारंभ में ही आठ प्रकार से और, और क्योंकि हम हमारे सारे जो श्रोता हैं जो इस विषय से परिचित हैं आप आप जानते होंगे कि पूर्व में ओरल ट्रेडिशन की परंपरा थी मौखिक रूप से जो हमारे टेक्स है उनको संग्रहित किया जाता था लेखन की परंपरा बाद में आई तो चूंकि ये जो मौखिक परंपरा थी वो पूर्व जो पूर्णतः स्मृति पर आधारित थी तो एक ही श्लोक को अथवा एक ही मंत्र को आठ बार उच्चारित किया गया अलग अलग प्रकार से कि यदि एक बार गलती हो जाए दो बार गलती हो जाए तीसरी बार गलती हो जाए परंतु यदि आठ बार उसी मंत्र को आठ प्रकार से उच्चारित किया जाएगा तो उसका जो मूल टेक्स्ट है जो उसके लिंग्विस्टिक कॉम्पोनेंट और साथ में उसके सिमेंटिक कॉम्पोनेंट उसका अर्थ दोनों ही मूल भाषा में जो वेद है जो उसकी जो मौलिक जो ऋषि जो कन्वे करना चाहते हैं उसमें वो सुरक्षित रहेगा तो इस कारण से पाठ ट्रेडिशन का आरंभ हुआ और जब अन्य वेदों में आप जाते हैं जब ऋग्वेद से आप यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद में जाते हैं तो फिर जो एक ऋचा है एक मंत्र है उसको फिर अलग अलग प्रकार से जैसे यजुर्वेद में जो यज्ञों का यज्ञ जो यज्ञों में जो ऋचाओं का इस्तेमाल होता है जो जो ऋचाओं का प्रयोग होता था वह ऋग्वेद और यजुर्वेद में इस प्रकार डिफरेंट है कि ऋग्वेद में तो आपने केवल स्तुति की यजुर्वेद में कर्मकांड पूर्वक आपने स्तुति की और और कुछ जो क्रियाएं थी कुछ जो शारीरिक क्रियाएं थी जो कुछ भाव भंगिमाएं थी उनके साथ में उसका प्रयोग किया गया सामवेद में गान के अर्थ में प्रयोग किया गया और अर्थवेद में पुनः सूक्तों को एक अलग प्रकार से बोला गया उच्चारित किया गया और सभी जो श्रोता परिचित होंगे इस बात से कि कई सारे मंत्र जो हैं वो चारों वेदों में एक जैसे हैं परंतु वह उनका स्वरूप सभी जो संहिताएं हैं ऋग संहिता यदु संहिता सामवेद संहिता और अर्थर्वेद संहिता में बदल जाता है तो यहाँ से शुरू हुआ अब जब ऋग्वेद से हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो ब्राह्मण ट्रेडिशन है आरण्यक ट्रेडिशन और उपनिषद ये चारों वेद के भाग कहे जाते हैं ऋग्वेद वेद ब्राह्मण आरण्यक एवं उपनिषद ब्राह्मण और आरण्यक वे ग्रंथ हैं जो इंटरप्रिटेशन स्टाइल में लिखे गए तो अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे जो सहयोगी हैं रामकिशोर जी मैं ब्राह्मण एवं आरण्यक यह किस प्रकार इंटरप्रिटेशन हुआ और इन पर जो भाष्य परंपरा आगे बढ़ी इस परम इस परंपरा को आप कैसे देखते हैं और संस्कृत लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन जिसकी हम आज बात कर रहे हैं इसको समृद्ध करने में इस परंपरा का जो भाष्य ट्रेडिशन और ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद परंपरा का किस प्रकार अवधान रहा और क्या इसकी विशेषताएं थी इस पर प्रकाश डालें आप जी जैसा कि आपने बताया कि वेद श्रुति परम्परा थी इसलिए उस उसमें गायन की एक परम्परा रही है कि हम लोग जटापाट मालापाट आदि गायन करते थे और वेद काफी धीरे धीरे कालांतर में कठिन प्रतीत होने लगे लोगों को तो उसकी व्याख्या की आवश्यकता महसूस हुई जब उसकी व्याख्या की आवश्यकता महसूस हुई तो वेद को समझने के लिए कालांतर में शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष इस तरह से विभाग किया गया शिक्षा ग्रंथों में उसके शुरुआत में जब फिर ब्राह्मण ग्रंथ आए ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है कि वेद जो हमारे लिखे हुए हैं उन वेदों के ऊपर व्याख्या की गई व्याख्या में आपको शिक्षा ग्रंथ भी आए और शिक्षा के अलावा उसके बाद व्याकरण के बहुत बहुत सारे जो कंपोनेंट हैं वो मिलते हैं सीधा सीधा उसमें व्याकरण नहीं है लेकिन व्याकरण के कुछ विषय वस्तुएं वहाँ से प्रारंभ होता है वैसे व्याकरण का प्रारंभ वेद से ही हो जाता है जैसे अक्षर हैं सुक्त हैं आ, अक्सर के बारे में आता है और उसके बाद धीरे धीरे प्रारंभ होता है उसके अलावा जब फिर ब्राह्मण ग्रंथ आ जाते हैं ब्राह्मण ग्रंथ वेद की एज इट इज व्याख्या करते हैं वेद के मंत्रों को लिया हुआ है उनका व्याख्या है और उनके प्रयोग का भी वर्णन वहां किया गया है लेकिन विशेषता ब्राह्मण ग्रंथों में कर्म कांड पे ध्यान रखा गया है और व्याकरण या भाषा विज्ञान का समावेश करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था उसके बाद आते हैं आपके आरण्य ग्रंथ आरण्य ग्रंथों में होता है कि उसमें फिलोसॉफिकल स्टडीज धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से वेदों में जो आध्यात्मिक विषय वस्तु हैं उस पर ज्यादा जोर दिया गया है और उसमें भी व्याकरण का समावेश होता है और कालांतर में उसके बाद जो ग्रंथ आते हैं प्रातिशाख्य तो प्राथिशाख्यों में विशेष रूप से ध्वनि विज्ञान को और उच्चारण कैसे किया जाता है शब्दों के क्या अर्थ हैं इस विषय पे चर्चा होनी प्रारंभ होती है और प्राथिशाख्य के बाद फिर व्याकरण स्टार्ट होते हैं इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे जी आ, इसी चर्चा के क्रम में प्रोफेसर राजन प्रसाद पांडे जी आ, मैं पाणिनि व्याकरण एवं जो किस प्रकार उसका उद्भव हुआ और भाषा वैज्ञानिक परंपरा में जो व्याकरण की जो परंपरा है उसकी क्या भूमिका है मैं सर आपके विचार जानना चाहूंगा धन्यवाद डॉक्टर अभी हमारे साथी रामकिशोर जी ने जिस ब्राह्मण आर्यक इत्यादि की चर्चा की उसके प्रसंग को आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा संस्कृत से ही आरंभ करना चाहूंगी कि हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं संस्कृत भाषा वैज्ञानिक परंपरा की तो संस्कृत जब हम कहते हैं तो उसका अर्थ क्या है और संस्कृत की संरचना क्या है भाषा विज्ञान क्या है फिर उसकी परंपरा और जैसा आपने बताया फिर हम क्रमशः बहुत संक्षेप में अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि और उनके सूत्र की चर्चा करेंगे तो जब हम संस्कृत कहते हैं तो ये संस्कृत शब्द जो है सम शब्द सम जो वो उपसर्ग है और क्री धातु है उससे मिलकर के बनता है और इसका अर्थ है कि संस्कारित किया हुआ यानी संस्कृत जो है संस्कारित की गई भाषा है रिफाइंड जिसे परिस्कृत की गई या रिफाइंड लैंग्वेज है।, तो है जब हम संस्कृत कहते हैं तो संस्कृत आपके लिए तो परिचित है ही लेकिन मैं अपने दर्शकों श्रोताओं और शिक्षार्थियों को संबोधित करते हुए स्पष्ट करना चाहूंगा कि संस्कृत का प्रयोग बहुत व्यवस्थित रूप में सबसे पहले वाल्मीकि ने शुरू किया और वाल्मीकि के यहाँ यह प्रसंग कब आता है सीता के पास जब हनुमान जी पहुंचते हैं अशोक वाटिका में तो उनको लगता है कि अगर मैं संस्कृत में संवाद करूँगा तो सीता को कहीं ये भ्रम ना हो जाए कि रावण बोल रहा क्योंकि रावण जो है पंडित था ज्ञानी था तो वो संस्कृत में संवाद करता था तो वो जो है लौकिक भाषा में संवाद करते हैं जी। और फिर स्पष्ट करते हैं वहाँ पहली बार संस्कृत शब्द व्यवस्थित रूप में प्रयोग में आता है और उसके बाद संस्कृत की जो परिकल्पना है वहाँ से शुरू होती संस्कृत मतलब परिष्कृत परिष्कृत अर्थात रिफाइनमेंट के साथ यानी जब हम ये कहते हैं तो भाषा की जब चर्चा करते हैं तो भाषा के दो तत्व होते हैं एक होता है कि प्राकृतिक यानी नैसर्गिक और दूसरा है अर्जित तो भाषा की जो संकल्पना है कुछ भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि भाषा वास्तव में प्राकृतिक है पर अधिकांश भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि भाषा प्राकृतिक नहीं है ये अर्जित संकल्पना है अर्जित इस अर्थ में कि जैसे बच्चा जन्म के साथ ही बोलने लगता है रोने लगता है और गाने लगता है या चलने लगता है फिर क्रमशः दौड़ने लगता है ऐसा भाषा के साथ नहीं होता है क्योंकि भाषा ये एक अर्जित संकल्पना है जो बिना बिना किसी स्वरूप के कुछ मुंह से उसकी आवाज निकले वो भाषा नहीं है भाषा को किस रूप में व्यवस्थित किया गया सबसे पहले उसकी व्याख्या की दंडी ने आचार्य दंडी ने कहा भाषा वो है जो विवरणात्मक है और विवरणात्मक भाषा विज्ञान भाषा विज्ञान की चर्चा करेंगे उसके कई तत्व है तो वर्णात्मक या डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स जो है उसकी शुरुआत हम पाणिनी के यहाँ से पाते हैं उसके पहले जो लिंग्विस्टिक का पैटर्न था वो ये था कि वो एक सैद्धांतिक भाषा विज्ञान है सैद्धांतिक भाषा विज्ञान का अर्थ होगा कि कोई भी भाषा है उसका कोई स्वर होगा व्यंजन होगा वाक्य होगा संकल्पना होगी और उसका अर्थ होगा लेकिन एक पूरा सिस्टमिक जो डिस्क्रिप्शन है वो डिटेलिंग पूरी तरह से अष्टाध्यायी में मिलती है और अष्टाध्यायी के कई व्याख्याकार हुए जिनमें पहले व्याख्याकार जो है वो पतंजलि हुए जिन्होंने महाभाष्य की, की रचना की और उन्होंने कार्य में स्पष्ट किया कि ये जो व्याकरणिक संरचना है ग्रामेरियन पाणिनी है इन्होंने अष्टाध्यायी में न केवल सूत्रों की संरचना की है बल्कि उसके अर्थविज्ञान संकेत विज्ञान सूत्र इन सभी संकल्पों का ध्वनि संकल्पना इन सब का व्यवस्थित चिंतन किया है और पाश्चात्य ध्वनि विवेचकों ने और कई भाषा शास्त्रियों ने इसको पाया कि सुव्यवस्थित पहली बार अगर कहीं भाषा वैज्ञानिक चिंतन दिखाई देता है तो वो पाणिनि के यहाँ होता है क्यों है। क्यों ऐसा होता है क्योंकि पाणिनि ने एक सिस्टमेटिक पैटर्न पर यानी भाषा क्या है भाषा की संकल्पना को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि एक दो तरह की व्याख्या होती भाषा की कि भाषा हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने की व्यवस्था है लेकिन दूसरी संकल्पना है कि ये हमारे जो जो बोलने की पढ़ने की लिखने की समझने की क्षमता है जो हमारे तत्व है उन सबका सुव्यवस्थित समुचित विवेचन करने का जैसे भाषा के संदर्भ में चार बातें आमतौर पर कही जाती है जो भाषा का कोई जानकार है वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए उसके लिए चार तत्व होते हैं अंडरस्टैंडिंग रीडिंग राइटिंग और जो है लिसनिंग कहिए उसको स्पीकिंग कहिए जो चार तत्व होते हैं जिसको जिसको चारों तत्वों का ज्ञान होता है उस भाषा का जानकार उसे कहा जाता है अब अष्टाध्यायी में पहली बार ये व्यवस्थित योजना मिलती है कि उच्चारण की दृष्टि से शब्द संरचना वाक्य संरचना कैसे होगी अर्थवीमांसा की दृष्टि से संकेत की दृष्टि से और ध्वनियों के स्वरूप इत्यादि की विवेचना की गई है यानी यहाँ मार्फोलॉजी है यहाँ फिलोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है इन सब का विवेचन दिखाई देता है और दूसरा जो उसका समुचित विवेचन दिखाई देता है वो पतंजलि के बाद उसका विवेचन करते हैं दंडी और उसके कई व्याख्याकार हुए उन्होंने अलग अलग ढंग से उनका भाष्य और विवेचन किया है तो अष्टाध्यायी एक तरह का पॉइंट ऑफ डिपार्चर है यानी कहीं व्यवस्थित भाषा वैज्ञानिक चिंतन नहीं। की संरचना को प्रस्तुत करने का एक प्रमुख तत्व तो है माइलस्टोन माइल स्टोन है, है। वहां से भाषा वैज्ञानिक चिंतन शुरू होता है और भाषा की जो वास्तविक संकल्पना है कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के प्रकारों और उनकी संरचना के ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर जो है उसके साथ भाषा का संबंध जोड़ने की जो कोशिश अष्टाध्याय में मिलती है ये अपने आप में अत्यंत उल्लेखनीय है इस दृष्टि से उसका ऐतिहासिक महत्व तो है तो संस्कृत की जो संरचना है वो उच्चारण व्यवहार यानी इसमें अगर आप देखें तो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स भी दिखाई देगा इसमें इसमें लिंग्विस्ट लिंग्विस्टिकोशोलॉजिकल ऑफ लिंग्विस्टिक्स है और इसमें साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव ऑफ लिंग्विस्टिक्स भी दिखाई देता है और बाय नेचर भाषा वैज्ञानिक पाश्चात भाषा वैज्ञानिकों ने इसे डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक पैटर्न के रूप में पहला सुविवेच ग्रंथ स्वीकार किया है इस संदर्भ में सामान्य मैं बहुत इसका ज्ञाता नहीं हूँ लेकिन जो सामान्य बातें मेरी समझ से आती है, ये उसका है। जी, ये जी, इसकी जी, स्पेसिफिक क्वालिटी प्रोफेसर पांडे आपने बड़े सुंदर तरीके से जो संस्कृत का जो भाषा वैज्ञानिक चिंतन है और उसकी जो परंपरा है उसके आपने विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला सोशल लिंग्विस्टिक्स के तरीके से साइको लिंग्विस्टिक्स के अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के तरीके से जो हमारे दर्शक हैं उनको उनको एक बात स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि संस्कृत की जो लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन है वो दो प्रकार से है एक है ग्रामेटिकल ट्रेडिशन और दूसरी है हमारी इंटरप्रिटेशन ट्रेडिशन दो मूल मूल चीजों में बांटा जा सकता है एक में जिसमें टेक्स्ट का हम इंटरप्रिटेशन करते हैं दूसरे में हम ग्रामर का एनालिसिस करते हैं वेद और वेदों में संहिता ब्राह्मण आरण्यक और उसके बाद में उपनिषद जो फिर आरण्यकों को का ही एक आगे एक्सटेंशन करके फिलोसफिकल डोमेन में या फिलोसफिकल रियल में चले जाते हैं वहां तक की हमने चर्चा की उसके उपरांत यदि हम इन दो बातों को देखें तो हम इसके बाद तुरंत जो टेक्स्ट आता है वो टेक्स्ट आता है निरुक्त निरुप्त का क्या कार्य निरुक्त का कार्य है निर्वचन करना जो वैदिक शब्द जो थे वैदिक शब्दों का जो अर्थ था वो एक समय में तो बहुत बहुत गम्य था कुछ समय के उपरांत ये जो अर्थ था यह अर्थ जो कठिन हो गया कई प्रकार के शब्दों का सही अर्थ करना शब्दों का साधु प्रयोग करना शब्दों का सही सही अर्थ बताना उनका और उससे वेद की ऋचाओं का और यज्ञों में जो उन वेदों की ऋचाओं का प्रयोग होता है वह ठीक ठीक प्रयोग करना कठिन हो गया उसके कारण जो यास्क थे आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के भाष्यकार हैं उन्होंने फिर निरुक्त नाम से एक व्याख्या लिखी ये कई अध्याय में विभक्त है उसमें आपने निघंटू जो शब्दकोश है वैदिक शब्दों का उसमें आपने उसकी व्याख्या की तो एंड इट इज पॉसिबली द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट ऑफ या ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन एनी इन द वर्ल्ड पूरे विश्व में व्याख्या करने का निर्वचन करने का सबसे प्राचीन ग्रंथ है आपने एक बात कही uh, प्रोफेसर पांडे ने कि जितने भी ग्रंथ लिखे गए उसमें पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है वो संभवतः एक कालजयी कृति है एवं एक शायद वो प्रथम प्रयास है परंतु जो भारतीय परंपरा आपकी बात मैं अपना स्वर मिलाते हुए एक बात कहता हूं कि जो भारतीय परंपरा है वह कभी भी ओरिजिनलिटी का क्लेम नहीं करती चाहे पाणिनि ने कितना भी कालजयी काम किया उसके साथ ही उन्होंने अपने से पूर्व जो आठ व्याकरण प्रचलित थे ऐन्द्र व्याकरण चांद्र व्याकरण जो पाणिनि का काल भी यही छब्बीस सौ अट्ठाईस सौ के बाद में ही इनका कालखंड पड़ता है तो आपने उन सभी को भी एक्नोलेज किया उस, ट्रेडि, उस ट्रेडिशन को एक्नोलेज जिसपे हम आज बात कर रहे हैं जिस विषय पे संस्कृत लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन उन्होंने उस ट्रेडिशन को एक्नोलेज किया कि ये ट्रेडिशन मुझसे भी पुरानी है मैं इस ट्रेडिशन में केवल उस प्रवाह में एक बूंद मात्र हूं उस सागर नदी के प्रवाह मात्र में और उसी ट्रेडिशन में फिर आगे पाणनी के बाद में जो वार्तिक कार कायन और उसके बाद में महावाश्यकार पतंजलि आए तो ग्रामेट जो इंटरप्रिटेशन की ट्रेडिशन है वह शुरू हुई यास्क से उससे भी पूर्व रही होगी परंतु जो आज के समय में जो व्यवस्थित प्रयास पाते हैं वे हम प्रयास को इनका जो यास्क का प्रयास है वो पाते हैं उन्होंने इसका वो, इसका वो अर्थ किया और अलग 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 अलग, अलग, अलग यज्ञों में और अलग अलग स्थान पर वेदी के निर्माण हो चाहे वह कोई कोई कर्म कांड हो कोई ज्ञान कांड हो हर क्षेत्र में वेदों का सही ऋचा का अर्थ का प्रयोग करना उसमें वैदिक मंत्र में ऋषि का निर्धारण देवता का निर्धारण उसके सही अर्थ का निर्धारण ये इस इंटरप्रेशन इंटरप्रिटेशन ट्रेडिशन में आया और फिर इसी इंटरप्रिटेशन ट्रेडिशन को फिर सारायणाचार इत्यादि जो दक्षिण भारत के रहने वाले थे उन्होंने फिर इस इंटरप्रिटेशन ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती तक चलती रही बाल गंगाधर तिलक और अंग्रेज जो कई यूरोपियन विद्वान है उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे पहले हम थोड़ी ग्रामेटिकल ट्रेडिशन पर चर्चा कर लेते हैं सर आपने एक बात कही कि हमारे यहाँ पर व्याख्या एक व्याकरण की भी परंपरा है जिसमें अप्लाइड फोनेटिक्स की चर्चा है या अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की चर्चा है सोशल लिंग्विस्टिक्स की है तो इसके जैसा कि हम सर भाषा विज्ञान का अध्ययन करते हैं लिंग्विस्टिक जो शब्द आता है वो फोनेटिक्स मॉर्फोलॉजी सिंटेक्स सिमेंटिक्स और लास्ट में फिर डिस्कोर्स या कल्चर यहां तक ये यह, यहां तक डिस्कोर्स एनालिसिस आजकल लिंग्विस्टिक्स में ये भी रखा जाने लगा है एवं भी रखा जाने लगा है ये सभी चीजें इसके लिंग्विस्टिक्स के अंतर्गत आती है तो संस्कृत के लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन को यदि हम वेस्ट के चश्मे से देखें कि वेस्ट जी किस प्रकार अध्ययन करता है तो हमारे जो मेरे जो कलीग श्री रामकिशोर जी बता रहे थे कि हमारे शिक्षा का और प्राथमिक के ग्रंथों का ट्रेडिशन है तो शिक्षा जो ग्रंथ है वो बेसिकली उच्चारण शास्त्र वो फोनेटिक्स का ग्रंथ है किस प्रकार से किसी का उच्चारण करना है इसमें इस, इस प्रकार से मंत्र है अकु अकु विसर्जन न्या, कंठ अ और कवर के सारे जो वर्ण है वह और ह और विसर्ग ये सारे कंठ से उच्चारित होते हैं तो अकु विसर्जन नाम कंठ इचु नाम तालु ऋतु नाम मूर्धा ऋतु नाम मूर्धा इस प्रकार से इन्होंने सारे उच्चारण शास्त्रों का वर्णन किया है और जो तिरसठ या चौसठ जो वर्ण माने जाते हैं सिक्सटी या सिक्सटी इस प्रकार कहा जाता है जो संस्कृत में वर्ण है सभी वर्णों का उच्चारण आपने बताया है तो इसे यदि हम कैटेगरी में रखें तो हम इसे जनरल फोनेटिक्स की कैटेगरी में रखेंगे और जो प्रातिशा ग्रंथ है प्रातिशा ग्रंथों में प्रातिशा का अर्थ होता है शाखाम शाखाम प्रति की प्रत्येक शाखा ऋग्वेद की प्रत्येक शाखा में किसी मंत्र का या किसी शब्द का किस प्रकार उसका इंटरप्रिटेशन होगा किस प्रकार उसका अर्थ लगाया जाएगा तो वो उसकी जो स्टडी होती है तो वो जो स्टडी होगी वो वो कहलाई जाएगी फिर जो वेस्टर्न सेंस में उसे हम कहेंगे कंपेरेटिव फोनेटिक्स क्योंकि आप वहां पे फोनिम्स को और उनके जो जो उसके जो एप्लीकेशन है इन दैट मंत्र पर्टिकुलर मंत्र और ऋषा वहां पे आप उसके एप्लीकेशन को पढ़ते हैं शिक्षा और प्राथिक्षा के आर्थ जनरल फोनेटिक्स एंड कंपेरेटिव फोनेटिक्स और इस जनरल फोनेटिक्स में भी जो पाणिनी शिक्षा है इस प्रकार की पाणिनी शिक्षा के अतिरिक्त और भी कई संस्कृत लैंग्विस्टिक ट्रेडिशन में कई प्रकार की शिक्षाओं का वर्णन है और जो व्याकरण है जो एक वेदांग जो छह वेदांग है शिक्षा कल्प छंद व्याकरण ज्योतिष और निरुक्त ये जो छह वेदांग है इसमें सीधा सीधा छंद व्याकरण और निरुक्त ये तीन जो वेदांग वेद के अंग हैं जो अंग यहां उपकार अर्थ में कि जो वेदों का उपकार उपकार करते हैं कि वेदों का अर्थ सा, जन सामान्य को समझ में आ जाए उसके लिए ये कार्य करते हैं तो व्याकरण तो पूर्ण रूपेण व्याकरण की बात करता है और यह जो व्याकरण है जिसमें पाणिनि का व्याकरण प्रमुख है यह भाषा विज्ञान का जो मॉर्फोलॉजी और सेंटेक्स किस प्रकार शब्द बनेंगे किस प्रकार शब्दों में आपस में समन्वय होगा किस प्रकार ध्वनि का परिवर्तन होगा किस प्रकार से इनका आपस में संधि होगी समास होगी कंपाउंड वर्ड्स कैसे बनेंगे और लंबे लंबे समास कैसे बनेंगे संधियां कैसे होगी ज्वाइंट कैसे होंगे अलग अलग कैसे करेंगे अर्थ कैसे निकाला जाएगा किस स्थान पर क्या प्रयोग होगा विसर्ग होगा या नहीं होगा संधि होगी नहीं होगी केस मार्कर्स कैसे होंगे और उसके साथ में जो वर्ब्स होंगी सब्जेक्ट के अंदर जो करता है उसके अतिरिक्त जो वर्ब्स होंगी वो कैसे होगी चार जो बताए गए हैं मूलतः नाम आख्यात उपसर्ग और निपात जो चार प्रकार के शब्द बताए गए हैं नाम अर्थात जो संज्ञा शब्द हैं वे आख्यात अख्यात वर्ब शर्मानी नामानी आख्यात जानी ऐसा आचार्य कहते हैं कि जितने भी नाम हैं जितने भी संज्ञा शब्द हैं वे किसी न किसी वर्ब से बने हुए हैं जैसे गच्छति इति गो जो गमन करती है वो गाय है प्रथनाथ पृथ्वी फैली हुई है अथवा पृथ्वी है तो किसी न किसी क्रिया से ही नामों का उद्भव होता है और उपसर्ग जो शब्द के प्रारंभ में लगकर शब्दों का अर्थ बताते हैं जो उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या इसे 22 उपसर्ग और निपात निपात ऐसे ही व खलु च इस प्रकार के निपात जिनके रूप नहीं चलते हैं जिसमें केस मार्कर्स नहीं होते हैं और जो नाम होते हैं उसमें केस मार्कर जो आठ प्रकार के जो विभक्तियां होती है उनका आ, उनका प्रचलन होता है और उसके केस मार्कर के अनुसार चाहे उसका शब्द में आप उसका स्थान कहीं भी बदल दें उसका अर्थ एक ही रहता है और उसके उपरांत जो जो आख्यात होते हैं या वर्ब्स होती है वो जो वर्ब्स होती हैं वो उन वर्ब्स के अंदर जो जिसे हम तिंग भी कहते हैं जो नाम होते हैं उन्हें सुप और जो वर्ब्स होती है उन्हें तिंग तो उनके शब्द जो हैं वे जो वो जो धातुएं हैं उनके शब्द धातु रूप के अनुसार चलते हैं तो ये सारा जो कार्य है ये सारा जो मॉर्फो मॉर्फ मौ को ट्रांसफॉर्म करने का और उस मॉर्फ का क्या अप्लाइड उसको किस तरह से शब्द में प्रयुक्त करना है उसका क्या एप्लीकेशन होगा यह एप्लीकेशन का कार्य जो है वो वो आता है मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत में वो संस्कृत का जो व्याकरण वाला कॉम्पोनेट है संस्कृत लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन का वो ये करता है और उसके उपरांत जो तीसरा आता है वाक्य और अर्थ तो वाक्य पे संस्कृत की जो लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन है या भारतीय लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन है मैं अपने कलीग श्री रामकिशोर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वाक्य एवं वाक्य के जो वाक्यार्थ है जो उसमें स्फोट भी सम्मिलित है वो उस पर क्या चर्चा है किस प्रकार आकांक्षा योग्यता और उसकी जो हैं वो उस, जिस प्रकार उसकी व्याख्या होती है उस पर आप प्रकाश डालें धन्यवाद तो सर जैसा कि कि आपने अभी चर्चा कि पाणिनि व्याकरण पाणिनि से पहले भी व्याकरण थे लेकिन जब पाणिनि व्याकरण आया वो एक कॉम्पैक्ट व्याकरण हो गया एक मतलब संक्षिप्त और एक संपूर्ण व्याकरण जिसको बोलते हैं वो पाणिनि व्याकरण के रूप में किसी पाणिनि के व्याख्याकार ने लिखा है कि अकालकम पाणिनियम व्याकरणम यानी पाणिनि ने व्याकरण को अकालक बना दिया काल से रहित बना दिया इसलिए वो ज्यादा फेमस हुआ और प्रसिद्ध हुआ उसके बाद जैसा कि आपने बताया उसने फोनिम्स वगैरह सब है क्योंकि जो लैंग्वेज भाषा विज्ञान है लिंग्विस्टिक्स उसमें हम लोग लैंग्वेज के स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं विश्लेषण करते हैं तो पाणिनि व्याकरण ने वही चीज बताई है कि लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या होगा कैसे पद क्या होगा शब्द क्या होगा प्रत्यय कैसे होंगे उनका प्रत्यय शब्द का निर्माण कैसे होगा इत्यादि सब चर्चाएं की तदनंतर पाणिनि के ही जो व्या, व्याख्याकार हुए पतंजलि उन्होंने ही वाक्यार्थ के ऊपर काम करना स्टार्ट किया जो फिलोसॉफिकल स्टडी लेके आए हैं फिलोसॉफी स्टडी ऑफ लैंग्वेज लैंग्वेज एक भाषा का दार्शनिक अध्ययन जो प्रारंभ हुआ वो पतंजलि ने स्टार्ट किया उसके बाद जो हमारा जो ट्रेडिशन चला वो आया न्याय दर्शन के ऊपर जो न्याय दर्शन है वो पूरा का पूरा आपका टिका हुआ है न्याय और मीमांसा इन्होंने आकर के और भाषा विज्ञान की जो एक जो अर्थ का या इंटरप्रटेशन जिसको बोलते अर्थ हैं अर्थ वैज्ञानिक पक्ष अर्थ वैज्ञानिक पक्ष के ऊपर इन्होंने ज्यादा चर्चा की पानिनी का व्याकरण भी अर्थ के ऊपर चर्चा करता है लेकिन वो एक भाषा वैज्ञानिक भाषा के संरचना के स्वरूप के साथ साथ चलता रहता है भाषा का पहले स्वरूप वगैरह सब बताने के बाद वो अर्थ का चिंतन करते हैं लेकिन ये जो आपका मीमांसा आया पूर्ण रूप से अर्थ के ऊपर चिंतन करने लग गया और इन्होंने क्या इंटरप्रटेशन स्टार्ट कर दिया तो जे वैयाकरण आए हैं वैयाकरण और मीमांसक और उसके साथ साथ नयायिक इन तीनों ने मिल करके उसके बाद अर्थ के ऊपर जो पाणिनी के पश्चात जो वैयाकरण जैसे पतंजलि ब्रतिहरी या आगे भट्टोजी दीक्षित वगैरह जो नागेश भट्ट नागे, हुए हैं उसके बाद कुमारील भट्ट तो खैर उनके प्रभाकर मि, मिश्र और कुमारिल भट्ट इनके हो गए आपके मीमांसक मीमांसक तो इन्होंने जो वाक्य वाक्यार्थ कैसे निकाला जाता है जो वाक्यार्थ का जो मीमांसकों का जो मेन मत है कि योग्यता आकांक्षा सन्निधि तात्पर्य अर्थवृत्ति तो आकांक्षा योग्यता की आकांक्षा होनी चाहिए परस्पर शब्दों में फिर उसको अर्थ देने की योग्यता होनी चाहिए इसके अलावा उसमें सन्निकटता होनी चाहिए सन्निकटता होनी चाहिए आकांक्षा अर्थात जैसे आपने कहा कुर्सी तो कुर्सी के अतिरिक्त आगे क्या जी जी एक आकांक्षा होती है इसका अब आगे क्या आपने सब्जेक्ट तो कह दिया और वर्ग क्या होगी जी तो वो आकांक्षा योग्यता सन्निधि उसके बाद तात्पर्य वृत्ति आई कि जो तात्पर्य क्या होता है अर्थ का तो उसी को फिर साहित्यिक जब साहित्यिक जगत में आए तो कुछ साहित्यिक लक्षण वाले जो लोग हुए उन्होंने उसको अविधा व्यंजना लक्षण में एक तो हम सीधा सीधा बोलते हैं और एक तात्पर्य व्यक्ति है तो इसके विषय में हम आगे और चर्चा करेंगे प्रिय श्रोताओं आपने हमें ध्यान से सुना इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह के प्रोग्राम हम समय पर समय टू समय टाइम टू टाइम लेकर के आते रहते हैं और इस विषय पर हम लगातार और श्रृंखला प्रारंभ करेंगे जिसमें हमारे साथी एक्सपर्ट डॉक्टर चित्रेश सोनी जी प्रोफेसर पांडे जी हमारे साथ और आप लोगों के साथ निरंतर जुड़े रहेंगे धन्यवाद रामकिशोर जी लाइव टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सेशन में इस अनुवाद अध्ययन प्रशिक्षण विद्यापीठ के कार्यक्रम में जुड़े रहने के अंत तक बने रहने के लिए सभी दर्शकों का धन्यवाद सभी को नमस्कार धन्यवाद